पानी लेने के लिए मुझे कहाँ आना पड़ रहा है? आलिया, मामा के घर आ गई हो, कितना दिन रहोगी यहाँ? 15 दिन के बाद। अभी कॉल आया है कि आयान को भी रिसीव कर लेना। Life in a world that keeps changing. Think that it's pro. Good morning guys, welcome back to my vlog. ये है दवा, इसको हम छींटेंगे नहीं, आज हम अपने फसलों पे छिड़काव करेंगे मशीन से। तो चलिए इसको बनाते हैं। गाइज, हम 2 बाल्टी लिए हैं, उसमें हम पानी भर दिए हैं और ये है दवा। हमको इस दवा को 5 गिलास पानी में घुलना है। मापते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ा और ले ले। 5.5 गिलास गाइस हम पानी लिए हैं। दवा को अच्छी तरीके से हमको मिक्स करना है। ये देखो कितना दवा है। अच्छी को पहले हमको फाड़ना है और सरसों की खेत में हम छिड़काव करेंगे। तो ये देखो भाई, प्लास्टिक की डुबा देते हैं। कलर देखो कैसा हो गया, ये ऐसा लग रहा है सोडा मीठा पाउडर है। ये देखो ये क्या है, ये पानी की तरह भाई। अबे इसके अंदर एक और ढक्कन है भाई, ये खुल नहीं रहा था तो हम इसको काट दिए हैं। बहुत मजबूत है भाई, और इसको कितना मजबूती के साथ और कितना इसको अच्छे तरीके से पैक किया गया है। अभी भी देखो कितना टाइट है, ये कटा है फिर भी अभी भी खुलने का नाम नहीं ले रहा ये। चलो इसको, ये जो कट गया ना, इसको ऐसे ही इसमें गिराते हैं, देखते हैं भाई इसके अंदर। भाई साहब ये देखो, पानी का कलर बिल्कुल चेंज कर दिया ये दवा। ओह, इतना नुकसान हो गया यार। अभी और भी है, ये देखो। हमें लगा कि सब मिक्स कर दिए, लेकिन अभी 2 बचा हुआ है। ये भी पानी ही है, ये देखो। ये तो ऐसा लग रहा ऑयल है, इसमें ज्यादा नहीं था। ये भी हम दवा लाए थे खेत में छिड़काव करने के लिए, मस्त हमने इस बाल्टी में डाल दिया है। और इसको अच्छे तरीके से गाइज हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखो भाई, ओहो ये देखो, ये कैसा हो गया भाई पानी का कलर। और इसको हम जितना ही घुलेंगे उतना ही ये दवा पानी में घुलेगा, मिलेगा, और उतना ही पौधे पे जाएगा, तो ये असर करेगा। जितना ही हम पानी को और दवा को मिला रहे हैं, ये देखो गाज हो गया भाई। वाह मस्त गाइज, मस्त दवा हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर ली है। और फिलहाल अब इसको लेके चलते हैं जिस मशीन में हमको ये दवा डाल के ले जाना है खेत में छिड़काव करने के लिए। चलिए हम आपको मशीन दिखाते हैं। गाइस ठंडी इतनी है कि सिर्फ मुर्गा को खोला गया, बकरिया भी अंदर है। आइए दिखाते हैं, ये दरवाजा है, ये देखो। अबे मुर्गा भी आ गया अंदर, वो देखो। ये हम जब भी आते हैं ना, ये पता नहीं कैसे ये अपना कपड़ा भाई नीचे कर लेता है शरीर से। चलो अभी इसी में रहो सब। गाइस लकी कैमरा मैन है, क्योंकि हम दवा लिए हैं ना तो हम टच नहीं कर रहे हैं मोबाइल। ऐसे इनाया और आलिया को हम आपको दिखा रहे हैं क्या कर रहे हैं। आइए ये देखो, इनाया 11 बजे ब्रश कर रही है और ये ब्रेकफास्ट कर ली है। क्या कर रही है इनाया? ब्रश कर रही है। और आलिया का, आओ आलिया को दिखाते हैं। आलिया क्या कर रही है, क्या देख रही हो मोबाइल में? हाँ क्या देख रही हो? ये बेस्ट है। जो मशीन हम लाए गाइस खेत में छिड़काव के लिए, भाड़े पे लाए, उस मशीन का एक दिन का भाड़ा है 50 रुपए। गाइस ये वो मशीन है, दवा को छिड़काव करेंगे अपने फसल पे। और आइए इसको एक बार खंगाल लेते हैं। ये देखो इसमें पानी भी है भाई। गाइस इसमें हम पानी घर से नहीं ले जाएंगे, क्योंकि भाई वजन है और यहाँ से हमको 300-400 मीटर दूर जाना है अपने खेत में। तो जहाँ हमारा खेत है, खेत के जस्ट बगल में 1-2 घरे हैं, तो पानी वहीं से हम ले लेंगे। और ये मशीन जानते हैं क्या है? ये मशीन हाथ से चलाने वाला नहीं है, ये मशीन गाइस चार्जिंग वाला है। तो भाई अब चलते हैं खेत में, आइए। इस डब्बे में अगर पानी होता तो भाई और हालत खराब हो जाती। अब ये सिर्फ डब्बा है तो हाथ दर्द कर रहा है। गाइस अपने खेत के पास मस्त पहुंच गए, और ये है भाई अपना सरसों का पौधा। और इसमें पौधे छोटे हैं बड़े हैं, तो इसलिए दवा दिया जा रहा है कि पौधे सब लेवल में हो जाए और अच्छे से इसमें फर आए। तो ये है भाई घर, यहीं से हमको पानी लेना है। चलो गाइस हम जहाँ से पानी लेंगे, आइए वो नल दिखाते हैं कहाँ पर है वो नल। ये अरहर का पौधा है, तो चलिए अंदर से पानी लेते हैं। ओ भाई
पानी लेने के लिए मुझे कहाँ आना पड़ रहा है? और इस डब्बे में अगर हम पानी भर देंगे तो ये हमसे उठ जाएगा। चलो कोशिश करते हैं। गाइस टंकी में हमने पानी ले लिया है और इसमें अब हम 2 गिलास दवा मिला रहे हैं। इसमें गिलास डूब भी नहीं रहा है। चलो एक अबे छान के, अगर कुछ फंस जाएगा ना तो भाई दवा बाहर निकलेगा नहीं, छिड़काव हम सही से कर नहीं पाएंगे। 2 गिलास मस्त हो गया भाई दवा। भाई सबसे मेन है जानते हैं क्या, इसको हमको पीठ पे रख के तब हमको छिड़काव करना है और भाई ये बहुत आसान है। चलिए अब भाई दवा है तो इसको फसल पे देना ज़रूरी है। अब चाहे इसको सर पे रखें, पीठ पे रखें, कहीं रखें, दवा छिड़काव करना ज़रूरी है इस फसल में। अबे भाई पानी अंदर जा रहा है ना यार, बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत वजन है भाई। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं भाई अपने खेत में। लेकिन एक चीज है, खाद छिड़काव करने में मजा आ रहा है। कैसे देखो कितना मस्त दवा पौधों पे जा रहा है और हम चल रहे हैं ना तो यार ये पौधा बड़ा भी हो गया है तो पैर से लग रहा है ना तो ये तुरंत पौधा टूट जा रहा है भाई। तो बहुत संभल के इस खेत में चलना पड़ रहा है क्योंकि सरसों का पौधा आप जानते हैं बहुत ही नाजुक होता है, बहुत नरम होता है। यहाँ पे हमको कैसे कैसे हमको निकलना है भाई, फिर भी पौधा टूट जा रहा है लेकिन मजा आ रहा है यार ऐसे काम करके, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम गाइज हम अपने खेत में मशीन से हम खाद छिड़काव कर रहे हैं। ये इसको हम खाद बोले कि दवा बोले भाई, चलो जो भी कुछ है बहुत अच्छा लग रहा है छिड़काव करके। देखो कितना मस्त इसमें से फुहारे निकल रहे हैं और पौधों पे जाके भाई जो दवा है पानी है सब चिपक रहे हैं। वाह, और लक्की वहाँ बैठ के मोबाइल चला रहा है और यहाँ मस्त हम छिड़काव कर रहे हैं। यार यहाँ तो सरसों है ही नहीं है। ओ भाई अभी कांटा यार पैर में लग गया। ओ भाई कंधा दर्द कर रहा है और बहुत मजा आया गाइस इस मशीन से अपने खेत में दवा की छिड़काव करके। और हमें लग रहा है ना सबसे उस कॉर्नर पे सरसों थोड़ा बड़ा है और इस लाइन में आते आते यहाँ पर ये देखो और इधर थोड़ा बड़ा हुआ है सरसों, ये सब बड़ा है और बीच में कहीं पर सरसों है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है और कहीं पर तो यार बिल्कुल है ही नहीं है, लेकिन जो है बढ़िया है। और हमने दवा मस्त इस खेत में छिड़काव कर दी है और भाई अब चलते हैं भाई यहाँ से घर। हमें लगा कि गाइस इसमें 2 टंकी लगेगा, 1 टंकी में ही मस्त हम दवा कंप्लीट कर दिए हैं और छिड़काव भी कर दिए हैं और दवा ज़्यादा अभी बचा हुआ है बाल्टी में। तो चलो देखते हैं भाई वो दवा क्या होगा। दवा हम ज़्यादा घुल दिए हैं गाइस। क्या हालत हो गई है भाई खेत में खाद की छिड़काव करके, लोवर मेरा गीला हो गया है। चलो मिलते हैं आपको नहा के। गाइज हम जा रहे हैं आलिया के मामा के घर आलिया को छोड़ने। मम्मी हाँ आंटी पिताजी। नहीं आंटी नहीं जाएंगी। अलीजा भी जाएगी। नहीं अलीजा भी नहीं जाएगी। इनाया भी जाएगी। इनाया भी नहीं जाएगी। तुम भी जाओ दे। हाँ हम चल रहे हैं आपके साथ। आलिया मामा के घर आ गई हो, कितना दिन रहोगी यहाँ? 15 दिन के बाद। ओ भाई 15 दिन? ओ 15 दिन के बाद आ जाओगी ना? हाँ। अच्छा ठीक है तो अब हम जाएं? हाँ। चलो ठीक है हाथ मिलाओ। वाह गुड। अभी कॉल आया है कि अयान को भी रिसीव कर लेना, तो अब जा रहे हैं भाई अयान को रिसीव करने उसके घर। और सब इधर उधर तबादला हो रहे हैं, अयान आ रहा है अपने मामा के घर, आलिया जा रही है अपने मामा के घर, अलीजा जा रही है अपने मामा के घर, सब तबादला हो रहे हैं इधर उधर। अरे अयान रेडी हो? सामान मन सब पैक कर लिए भाई। वाह कहाँ जा रहे हो? मामा के घर। कितने दिन की छुट्टी है? 15 दिन। यार हमें कोई नहीं पूछ रहा है कि अरशद तुम नहीं जाओगे अपने मामा के घर, हम तो सिर्फ यार ड्राइविंग में लगे हैं, इधर उधर छोड़ रहे हैं सबको। चलो ठीक है चलो सामान वाले चलो। हाँ चलो ठीक है। स्वागत
सो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।